गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास ऑफ क्लास फिफ्थ, लेसन नंबर 2, जिसका नाम है मेहनत की कमाई। आज हम करेंगे इसके शब्दार्थ। लेसन हमने पहले रीड कर लिया है, अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। सो फर्स्ट है अपना आलसी। आलसी मतलब कार्य करने से सुस्त, कार्य करने में जो सुस्त हो, जिनको काम करना अच्छा ना लगता हो, वो उसे बोलते हैं आलसी, कार्य करने में सुस्त। निर्लज, बेशरम, जिसको कोई शर्म ना हो, जितना मर्जी कह लो उसको, कोई मतलब कि किस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, उसको बोलते हैं बेशरम। विनती करना। लापरवाह, असावधान या बेफिक्र, जिसे कोई फिक्र ना हो, बेफिक्र। विवश, मजबूर। झटपट जल्दी से। तरस खाना, दया करना। संध्या, शाम का समय, जब सूरज ढल जाता है, शाम का समय, संध्या बोलते हैं उसे। क्रोध, गुस्सा। मेहनत, परिश्रम। हवाले करना, सौंप देना। स्टूडेंट्स, ये अपने हो गए वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। पहले हमारे पास रिक्त स्थान भरो। बेटा डैश के पास जाकर डैश लगा। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और डैश को बाहर भेज दिया। पिता ने किसको बाहर भेजा था? अपनी पत्नी और अपनी बेटी को। पिता ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया। लड़के को डैश आ गया। लड़के को क्या आ गया? बुखार आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने को हेल्प बॉक्स दिया है, इसके अंदर से अपने को इसमें फिल करने हैं। लड़के को डैश आ गया, बुखार आ गया। मेरे गर्दन, कमर और पैर डैश लगे, दुखने। किसके दुखने लगे थे? बेटे के, जो कि बहुत आलसी था और एक दिन काम करके उसकी गर्दन, पैर और कमर दुखने लग गए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे वाक्य प्रयोग। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करें। जो नीचे हमें शब्द दिए हैं, इनका क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करने, मतलब कि एक एक वाक्य बनाना है इसका। एग्जांपल के लिए यहाँ बनाया है स्वस्थ। स्वस्थ का वाक्य प्रयोग बना था, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। वैसे ही हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है पेड़। पेड़ का हम लिखेंगे, पेड़ हमें छाया देते हैं। जल, जल ही जीवन का आधार है, या जल ही जीवन है, जल ही हमारा जीवन है। बेटी, यह बेटी समझदार है। आगे है आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट है हमारे प्रश्न उत्तर, वन वन लाइन्स के जो क्वेश्चन आंसर है, जो बुक में है हमारे। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ काम कमाकर लाने के लिए कहा। पिता ने बच्चे को क्या कहा? अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को बुलाकर कुछ कमाकर लाने को कहा, कि जाओ और कुछ कमाकर लाओ। नेक्स्ट है, बालक सरलता से एक रुपया कुएं में क्यों फेंक देता है? क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई नहीं होती, तो उसे कोई परवाह नहीं होती उसकी। वह सोचता है कि ठीक है, इसको जाके डाल देता हूँ। तो बालक सरलता से एक रुपया कुएं में डाल जाकर क्यों डाल देता है? बालक सरलता से एक रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता है क्योंकि वह उसकी कमाई नहीं होती, मेहनत की कमाई नहीं होती। नेक्स्ट है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वह उस दिन कमाई करके लाया था मेहनत से। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई थी, उसे कमाने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ा था, कठिन परिश्रम किया था उसने, वो काफ़ी मेहनत की थी उसको कमाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर बुक वर्क, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।